हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम लोग इरोडोव के क्वेश्चन नंबर 152 को डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड। देखिएगा और कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कोशिश किया है कि इसको सबसे आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आपको बताया जाए कि जीरो लेवल पर जाके आपको समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि इसका जो मैथड, जो जनरल मैथड बुक्स में दिया रहता है वो लेंदी रहता है, बहुत सारा स्टेप उसमें कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। मैंने कोशिश किया है इसको सबसे आसान मेथड से बनाने की। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, टू बार कनेक्टेड बाय अ वेटलेस स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस एक्स एंड लेंथ एल नॉट रेस्ट ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन, अ कॉन्स्टेंट हॉरिजेंटल फोर्स एफ स्टार्ट एक्टिंग ऑन वन ऑफ द बार एज शोन इन फिगर। Find the maximum and minimum distance between the bar during the subsequent motion of the system. If the masses of the bar are equal, or jab equal to m1 and m2, and F is applied to the bar of mass m2. देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि एक सिस्टम है जिसमें दोनों का मास इक्वल है, ठीक है। दोनों का मास क्या है, इक्वल है, एम और एम है। दोनों पे फोर्स एफ और एफ लगाया जा रहा है, इक्वल फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। ये स्प्रिंग एक्सपैंड होगा, सरफेस स्मूथ है, सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है। दोनों ब्लॉक का मास एम स्प्रिंग से कनेक्टेड है, इक्वल फोर्स लगाया जा रहा है। मैं कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को बनाऊंगा। देखिए अभी इस केस में क्या होगा, जब अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था, फोर्स लगाना शुरू हुआ, ब्लॉक दूर भागेगा, स्प्रिंग में एक्सपेंशन आएगा, ब्लॉक में काइनेटिक एनर्जी आएगा, फिर जाके ये तब तक दूर जाता रहेगा जब तक ये ब्लॉक दोनों का दोनों रेस्ट में ना आ जाए। जब दोनों रेस्ट में आ जाएगा, जब दोनों ब्लॉक रेस्ट में आ जाएगा, उस समय आप कहोगे कि इस स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सपेंशन था, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्प्रिंग इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। फिर क्या हुआ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू जीरो। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, आपने इस स्प्रिंग को कितना एक्सपेंड किया है, एक्स, तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स, कुछ ऐसा आएगा। यदि आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो एक्स का मैक्सिमम एक्सपेंशन का वैल्यू आपको कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस मैक्सिमम एक्सपेंशन का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एक्स, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा बताइए, 2f/k के बराबर। दिस इज द मैक्सिमम एक्सपेंशन, 2f/k के बराबर, ठीक है। और इस केस में कहीं पर भी देखिए मास का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कहीं पे भी मास का इन्वॉल्वमेंट इस केस में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है मास अलग अलग भी रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैक्सिमम एक्सपेंशन यही आना है, ठीक है, मैक्सिमम एक्सपेंशन यही आना है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट केस कि यदि फोर्स अलग अलग लगेगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो फिर मैक्सिमम एक्सपेंशन का वैल्यू कितने के बराबर आएगा। देखिएगा ऐसा कीजिए, इधर ये M2 है, इस पे फोर्स लग रहा है F1, इस पे फोर्स F लग रहा है, इस पे तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा था, ये M2 है, ये M1 है, यही क्वेश्चन था ना। अब इस केस में मैक्सिमम एक्सपेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा ऐसा कीजिए, एक सेंटर ऑफ मास का फ्रेम ले लीजिए, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसका एक्सेलेरेशन कितने के बराबर हो जाएगा, F/m2 के बराबर, ये एक्सेलेरेशन ऑफ 2 हो गया, इसका एक्सेलेरेशन कितना है, 0 है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, m1 a1, तो a1 तो 0 है, तो m2 a2, तो m2 a2 मतलब क्या हो जाएगा, F m2 a2 कट जाएगा, m2 f/m1+m2, दिस इज द एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब है कि एक्सेलेरेशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो आएगा, a2 - ac आएगा,
एक्सेलेरेशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ए टू माइनस ए सी आ जाएगा। तो ए टू माइनस ए सी की जगह पे क्या पुट कर दीजिएगा, एफ बाई एम वन प्लस एम टू, है ना। तो यहाँ से आपको एक्सेलेरेशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, और ये कितने के बराबर मिल जाएगा, देखिए ए टू का वैल्यू कितने के बराबर था, एफ बाई एम टू, तो एफ बाई एम टू पुट कर देते हैं, माइनस एफ बाई एम वन प्लस एम टू लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्सेलेरेशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, एफ कॉमन आ जाएगा, क्या आ गया, एम वन प्लस एम टू माइनस एम टू बाई एम टू इंटू एम वन प्लस एम टू, एम टू एम टू कैंसिल आउट हो गया, कुछ ऐसा आएगा। तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो है ये कितने के बराबर आ गया, एफ एम वन बाई एम टू इंटू एम वन प्लस एम टू, कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। तो फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, एम टू इंटू ए टू सी आएगा, ये कितने के बराबर आ जाएगा, एफ बाई एफ एम वन बाई एम वन प्लस एम टू। ये एक्सेलेरेशन ऑफ फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आया है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा होगा, फिर से मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, ये जो अभी डायग्राम बना रहा हूँ वे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कितने के बराबर होगा, एफ एम वन बाई एम वन प्लस एम टू, ठीक है। इस पर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा था, तो ए वन सी जो होगा, यदि आप ए वन सी कैलकुलेट कीजिएगा, ये सेंटर ऑफ मास है, तो ए वन सी यदि कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, तो ए वन माइनस ए सी होगा, तो ए वन का वैल्यू तो जीरो था, तो माइनस ए सी, ठीक है, मतलब इसका एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में होगा, माइनस ए सी का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा, और ए सी का वैल्यू कितने के बराबर था, एफ बाई एम वन प्लस एम टू। तो फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, एफ एम वन बाई एम वन प्लस एम टू, ये आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, ए वन का वैल्यू जीरो है, ए वन का वैल्यू जीरो, ए वन माइनस ए सी में ए वन का वैल्यू जीरो है, तो माइनस ए सी आ जाएगा, एक्सेलेरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और जब आप यहाँ पे माइनस ए सी, माइनस ए सी, ए सी कितने के बराबर आ गया था, देख लीजिए ए सी का वैल्यू आया था यहाँ पे, देखिए, तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो कितने के बराबर होगा, एम वन इंटू ए सी, तो एम वन इंटू एफ बाई एम वन प्लस एम टू, ये हो जाएगा। तो इन दोनों पे बराबर बराबर फोर्स लग रहा है, लग रहा है ना, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस पे एफ एम वन बाई एम वन प्लस एम टू लग रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस पे एफ एम वन बाई एम वन प्लस एम टू लग रहे हैं। एक्सपेंशन जो आएगा सेंटर ऑफ मास से देखें या ग्राउंड से देखें, वो तो बराबर ही आएगा ना, ठीक है। इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो सेपरेशन बढ़ेगा वो ग्राउंड से देखें या सेंटर ऑफ मास से देखें, दोनों का वैल्यू बराबर ही आएगा। तो यहाँ से आपको बहुत आसानी से मैक्सिमम एक्सपेंशन का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था, 2f by k कैलकुलेट किया था ना, 2f by k, तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 into f m1 by m1 plus m2, ये f आ गया, नीचे में k लिख दीजिए, k का वैल्यू x दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप जब आप मैच कराइएगा तो k के जगह पे x लिख दीजिएगा। सेकेंड केस में क्या होगा, जब मास का वैल्यू सेम होगा, तो m1 को m1 plus m2, ये क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, mm कट जाएगा, तो x मैक्सिमम फर्स्ट वाले केस में, ये सेकेंड का आंसर हो गया, फर्स्ट का आंसर कितने के बराबर आ जाएगा, m का वैल्यू सेम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, f बाई के आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा।